नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो एडवर्टाइज नंबर 3/2023 को पब्लिश किया है उसके बारे में, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट हैं, आखिरी डेट क्या है और कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो ये एडवर्टाइज नंबर निकला है, ये निकला है 7/3/2023 को, यानी कि 7 मार्च को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, स्टार्टिंग डेट वो है 16/3 है। आप 16 मार्च से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 5 अप्रैल तक लास्ट डेट है। और इसके लिए कोई फीस नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे, कोई फीस नहीं भरनी है किसी को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है हम आप नीचे देखते हैं, ये कंटेंट्स है पूरे, हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में इन्होंने दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लॉन्च द पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीईटी ऑन 12 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ था। इन्होंने पूरी डिटेल इसमें दी गई थी, इसमें क्या क्या था, कब कब नोटिस रिवाइज़ किया गया और कितने पोस्ट थी, कितनी क्या हुआ। तो इसमें इसने बताया है कि इसमें 7,73,572 कैंडिडेट अपीयर हुए थे जो टेस्ट हुआ था 5 और 6 नवंबर को। उसमें से 3,57,000 ने जो क्वालिफाई किया था टेस्ट, तो जिन्होंने क्वालिफाई किया है कैंडिडेट्स वो क्वालिफाइड दैट ऑल द कैंडिडेट्स हु फिल असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट एंड आर डिजायरियस ऑफ अपीयरिंग इन द रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट शैल गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। तो सबको ये एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है और पढ़ने के लिए बेटर चीज़ होगी कि आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि 32 पेज की एडवर्टाइजमेंट है तो ऐसे मोबाइल में या लैपटॉप में पढ़ने में दिक्कत होती है। तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, उसमें आपको बेहतर से समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे इसमें। तो इसमें जो पोस्ट निकाली है इन्होंने, वो टोटल पोस्ट निकाली है 31,529 वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन कमीशन में, सबको मिला के 31,529 है। तो इसमें जितनी पोस्ट निकली हुई हैं, अगर इसमें से आगे दिया गया है आउट ऑफ 3 लाख, जो 3,57,000 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं वो फुलफिल द क्वालिफिकेशन, जो जिनके पास क्वालिफिकेशन है, ये इसमें क्वालिफिकेशन और पोस्ट का जो डिटेल है वो एक अलग से पीडीएफ है उसमें दिया गया है, अनेक्सर बी करके दिया गया है, वो उसमें है। तो आप उसको डाउनलोड करके उसका भी प्रिंट निकाल लें और अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें कि आपकी क्वालिफिकेशन किस किस पोस्ट के लिए सुटेबल है। तो इसमें आगे दिया गया है, इसने बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिनके पास समान क्वालिफिकेशन है, द कमीशन हैज़ ग्रुप 378 कैटेगरी, 378 कैटेगरी है जिनमें भर्ती निकाली है, उसमें से इनको इन्होंने 58 ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है। तो हर एक ग्रुप के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा, इस नीचे लिखा है कि वन कॉमन टेस्ट होगा हर ग्रुप के लिए, एक 58 ग्रुप है तो 58 टेस्ट होंगे, ना कि 378 टेस्ट होंगे, सिर्फ 58 टेस्ट होंगे। आगे देखते हैं क्या दिया है। फिर आप इसमें कैंडिडेट सेल्फ फिल फर्स्ट प्रिफ्रेंस और टॉप, फिर इसमें जो 58 ग्रुप के हिसाब से जितनी कैटेगरी उसके अंदर आती हैं एक ग्रुप में, आप उसमें प्रिफ्रेंस भर सकते हैं अपना, ठीक है। तो सीईटी नोटिफिकेशन डेटेड 5 मई, 31 मई एंड फर्दर अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन नंबर, ये सब कुछ इसमें अटैच है, नीचे दिया गया है। आप इसका प्रिंट निकाल लें और अपेंडिक्स ए में दिया गया है ये, और जो बाइफरकेशन है कैटेगरी वाइज पोस्ट का वो भी दिया गया है, वो अपेंडिक्स बी में दिया गया है। तो आप उसको भी डाउनलोड करके उसकी भी एक प्रिंट आउट निकाल लें। इसमें नोट दिया है कि जिस भी पोस्ट के सामने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है उसका एविडेंस सर्टिफिकेट आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा, जैसे 12th इक्विवेलेंट होता है या डिप्लोमा इक्विवेलेंट होता है, बीटेक इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट होती है, तो उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो शिक्षा संस्थान जारी करता है वो आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा।
तो आगे इसने दिया है कि क्राइटेरिया क्या रहेगा सिलेक्शन का, एग्जामिनेशन का, सिलेबस का। तो अब इसमें देखते हैं क्राइटेरिया क्या रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा 97.5% का, 97.5 नंबर का जो है आपका रिटन होगा, और जो 2.5% नंबर दिए जाएंगे वो आपको सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के बेस पे दिए जाएंगे। पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का वो इन्होंने दिया गया है कि हिंदी और इंग्लिश में होगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पे नहीं होगी, और 100 क्वेश्चन होंगे जिनके मार्क्स होंगे 0.975, एक क्वेश्चन का मार्क होगा। सेम इसमें वही रहेगा कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको नहीं पता है उसको आपको 5वां ऑप्शन आपको भरना होगा, उसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी जैसा कि सीईटी में मिला था। फिर उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि किसको 2.5% दिया जाएगा, वो सब कुछ लिखा है, सेम है वो भी। इन्होंने बताया है कि नो फैमिली जॉब का मतलब क्या होता है वो भी इसने दिया गया है। अगर आपको एक सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें बताई गई हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा ये भी दिया गया है, प्रोसेस क्या रहेगा। आफ्टर रिसिप्ट एप्लीकेशन द कमीशन शैल होल्ड ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन। ऑफलाइन होगा सो टेस्ट जो है किस बेस पे होगा। प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द स्किल और रिटर्न टेस्ट हु शैल बी एलिजिबल टू अपेयर इन सच एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज बाई द कमीशन एज अंडर। कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज लेस देन 30, यानी 30 पोस्ट से कम है तो 5 गुना कैंडिडेट्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो 150 कैंडिडेट लिए जाएंगे अगर 30 से 40 के बीच में पोस्ट है तो। इस तरह से पूरा डिटेल दिया गया है इसमें, 3 से 4, 4 से 5 गुना तक इसमें कैंडिडेट को जो है सिलेक्शन रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा कि किसका रिटर्न होगा किसका नहीं होगा। ये रिजर्वेशन पॉलिसी है ये भी दी गई है इसमें। एक्स सर्विस मैन के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी डिटेल में अब की बार ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। आपको सिलेबस भी जो है वो सिलेबस की भी अलग से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, किस ग्रुप के लिए कौन सा सिलेबस रहेगा। तो जितने भी ग्रुप हैं सबके लिए अलग अलग सिलेबस की डिटेल जो है वो दी गई है। रिजर्वेशन भी बताया गया है किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, कितने साल का मिलेगा। एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया भी इसने दिया गया है कि आप अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो कौन सा आपको परफॉर्मा में आपको उसमें एक्सपीरियंस बढ़वाना है। काफ़ी डिटेल्स हैं इसमें। अप्लाई कैसे करना है वो भी इसमें दिया गया है। पोस्ट प्रेफरेंस है, कैसे आप पोस्ट में प्रेफरेंस डाल सकते हैं अपना, कि पहला प्रेफरेंस कौन सा रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा। विड्रॉ की थी वो भी दिया गया है। तो ये सारी पोस्टें हैं जो पहले इन्होंने निकाली थी और अब इसको विड्रॉ कर लिया गया था, और इनकी अब जो भर्ती है वो अब सीईटी के थ्रू ही की जाएगी। तो इतनी सारी पोस्टें हैं जो विड्रॉ हुई थी और अब इनको दोबारा से सीईटी के थ्रू फिलअप किया जा रहा है। ये सारी पोस्टें मिला के 31,000 पोस्टें बनती हैं टोटल। जो ये नोटिस जो इतने टाइम पे भी आए थे, जब भी आए थे तो सबका नोटिस इन्होंने दिया गया है, 20 मई का नोटिस है। तो दोस्तों अब आते हैं अपेंडिक्स बी में, जिसमें कि हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और हर पोस्ट का, हर कैटेगरी का वेरिफिकेशन दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में है और उस पोस्ट का क्या नाम है। सबसे पहले इसने दिया है कि
एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी सभी पोस्टों के लिए, तो वो रहेगी एक नंबर पे हिंदी संस्कृत सब जो आपका मैट्रिक में होना चाहिए। एज जो दी गई है वो 18 से 42 दी गई है, और 18 से 42 दी गई है बाकी सभी कैटेगरियों के लिए छोड़ के 368 और 369 को, इसके लिए 18 से 22 18 से 26 दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं कितनी ग्रुप बना रखे हैं इन्होंने। सबसे पहले स्टार्ट होता है ग्रुप वन में 880 पोस्ट है। इसमें क्या क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, क्या क्या बाइफिकेशन किया गया है, हम देख लेते हैं कि करके। तो ये है मेनली सिविल के लिए, जिन्होंने सिविल में डिप्लोमा किया गया है, जिनको एक्सपीरियंस है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे एग्रीकल्चर में, DSBVN में, डेवलपमेंट पंचायत में, फिशरीज में, हरियाणा डेयरी में, सब में अलग अलग दिया गया है, और हर कैटेगरी का भी दिखाया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितना कितना है। तो ऐसे कुल मिला के इस कैटेगरी में जो इस ग्रुप में, और ये देखो नीचे जो एक नंबर था उस पर कैटेगरी नंबर में, उसमें आपको डिप्लोमा चाहिए बस। दो नंबर में आपको फुल टाइम 3 डिप्लोमा सिविल में चाहिए, और फिर कितने परसेंटेज चाहिए वो भी इसने दिया गया है नीचे। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन इसमें बैठती है आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। और इस ग्रुप के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। जो दूसरा ग्रुप है वो है 389 पोस्ट के लिए, इसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है कई जगह, जैसे पहले पोस्ट में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल वर्क, ये भी मांगा हुआ है, किसी में 3 साल मांगा हुआ है, किसी में 5 साल मांगा हुआ है, तो सब में अलग अलग है। तो आप इसका एक प्रिंट आउट निकालें, उसमें अपनी कैटेगरी वाइज देख लें कि आपकी एजुकेशन किस किस कैटेगरी में किस किस पोस्ट के लिए फिट बैठती है, उसके बाद ही अप्लाई करें। उसके बाद ग्रुप 3 आ गया है, 79 पोस्ट है इसमें, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है बेसिकली, और इसमें डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में ये उनके लिए है। फिर इस तरह करके जो है वो 58 ग्रुप हैं इसमें पूरे, और 31,000 पोस्टें हैं 58 ग्रुप में, सब में अलग अलग दिया गया है, हर कैटेगरी में हर डिपार्टमेंट में पूरा सबका दिखाया गया है, किसमें कितनी पोस्ट है और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। आप किसी भी पोस्ट के लिए बोल सकते हैं अगर आपके पास उसका क्वालिफिकेशन है तो। ठीक है, 258, तो इसमें आपको 1647 पोस्टें मिलेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट से और अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आप जितनी भी पोस्टें हैं उनका सबका अलग अलग सिलेबस भी दिया गया है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। वेबसाइट खोलोगे तो सबसे पहले आपको ये पेज दिखाई देगा जिस पे लिखा हुआ है कि क्लिक हियर फॉर सिलेबस फॉर स्किल रिटर्न टेस्ट फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी, इसमें हर ग्रुप के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट लेके उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो। जैसे ग्रुप 1 है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर, तो सबका अलग अलग दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, 58 ग्रुप है, 58 ग्रुप का इसमें दिया गया है। और जो हमारा ग्राम सचिव वगैरह जो पोस्ट निकली थी पहले पटवारी की, वो सब भी इसमें दी गई हैं, उसके लिए आपका 56 नंबर और 57 नंबर जो एग्ज़ाम है ये सिलेबस है, आप इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हो। जैसे अभी हम कोई सिलेबस खोलते हैं, 56 खोलते हैं, तो इसमें सिलेबस दिया गया है देखो, जनरल अवेयरनेस 20% आएगी, 10% कंप्यूटर आएगा, और 70% जो है आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, इसमें GK रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगी इसमें, जनरल अवेयरनेस,
क्वांटिटी एप्टीट्यूड हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी दोनों, इकोनॉमिक्स गवर्नेंस रहेगा, एनवायरनमेंट स्टडी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबका दिया गया है कि क्या क्या रहने वाला है। इन्होंने इसको दोबारा से एक बार और अपलोड किया है, वो नोटिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, नया नोटिस आया है जो कि 11 मार्च को आया है। इसमें कुछ पोस्टों को हटा दिया गया है, कुछ का सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर, जो कैटेगरी नंबर 139 था उसमें इन्होंने चेंज किया है। इसमें इन्होंने दिया गया है कि कैंडिडेट हु हैव पास डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड और टेकन एडमिशन बिफोर द इश्यूएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन विल रिमेन एलिजिबल। तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे जिसमें इन्होंने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया है। दूसरे में क्या दिया गया है, 178 में, कि इन्होंने क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। एक इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट इन्होंने चेंजेस किया है। इन्होंने मांगा है कि इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस और 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कुछ पोस्टें कैंसिल की हैं। कैंसिल पोस्टों में है कैटेगरी नंबर 63, 64, 106 और 126 को इन्होंने कैंसिल कर दिया गया है। और इसके बाद कुछ रेक्टिफाई की गई है पोस्टें, जैसे कलर्क की रेक्टिफाई की हैं और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भी रेक्टिफाई की है कि किस कैटेगरी में कितने पोस्टें रहने वाली हैं। और जो सिलेबस है ग्रुप नंबर 56 का जो सिलेबस है उसमें भी इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। 20% जो इन्होंने हरियाणा का हिस्ट्री दिया है, 10% कंप्यूटर दिया है और 70% जो है रिलेटेड सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसमें जो पिछले उसमें था उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश का भी कुछ ऐड किया गया है, जैसे हिंदी में क्या रहेगा और इंग्लिश में क्या रहेगा वो सब कुछ भी इसमें दिया गया है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आने वाला है और हिंदी लैंग्वेज में क्या आने वाला है। तो सब कुछ मतलब सिलेबस अब की बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सबको बताया है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। हरियाणा इकोनॉमी का भी इन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि क्या कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। ये 11 तारीख का नोटिस था और अब 16 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो अगर देखते हैं इसके बीच में अगर कोई नोटिस और आता है तो वो भी आपके लिए, उसके लिए भी आप वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको कुछ डिटेल इसमें चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।